रो के कहने लगी, भैया अरे काहे को ब्याही दई विदेश ओ भैया, समझाने लगा बेना मत रो बेना मत रो मत रो बेना, ऐसे अगर रोगी तो मेरी जान निकल जाएगी जान। क्या बोले क्या? अरे काहे को ब्याही दई विदेश ओ भैया, और क्या कहने लगी है क्या? तेरा रोना देख मेरा कलेजा फाट रहा हूँ कलेजा। क्या बोलिए बेना? अरे पाला पन तेरे संग हूँ मैं खेली, अरे आज मेरी डोलिया को कंधा छीनी, कहने लगा ना रो। और क्या कहने लगा है? अरे ससुराल जाके बहन भूल मत जाइया, अरे सासु ननद को सेवा से भरियो, करे उपदेश ओ भैया काहे को ब्याही दई विदेश ओ भैया। मेरे नौजवान साथियों, देव की रुदन करने लगी, भैया मोए काहे को विदेश में ब्याही दो। कंस कहने लगा, बहन चाहे कितना भी कोई बड़ा आदमी हो, अपनी बहन बेटी को अपने आंगन में नहीं बिठा सकता है। तुम रो नहीं, क्या करे अपनी आंखें सूजी जा रही, आंखें फूली जा रही, अब क्या करे मैं? रो नहीं बेना, रो नहीं, रो नहीं, हम तुम्हारी डोली स्वयं भैया ससुराल तलक छोड़ने के लिए चलूंगी, लेकिन तुम रो नहीं। ए मंत्री, पता नहीं मंत्री है या जंत्री है। मंत्री मंत्री है भैरव के का? मंत्री कहने लगा, क्या है महाराज? ए मंत्री,
जी हाँ, मेरे रथ को जल्दी निकाल के बाहर लाओ, अब मैं अपनी बहन की डोली स्वयं ससुराल तलक छोड़ने के लिए जाऊंगा। भोजराज कंस का रथ बाहर निकाल के कंस को दिया गया। भोजराज कंस जिस समय अपनी बहन को छोड़ने के लिए चला है तो कैसे जा रहा है लोगो? अरे आगे देवकी जा रही है, ये पीछे से एक रसाला है, ताके रे पीछे यार सुनो वसुदेव तुम्हार को चाला है। देव कुमार को चाला है, ज्यादा नहीं दो चार खेत रथी आगे बढ़ा था, एकदम से आकाशवाणी होने लगी है, आकाशवाणी हुई है, ओ कंस राज अब फूल नहीं, ये फूल फूल मुरझाएगा, यही तो बची को अस्त लाल वो तेरा काल कहाएगा। मेरे नौजवान साथियों, दो चार खेत रथी आगे बढ़ा था, एकदम से आकाशवाणी होने लगी, ओ कंसराज जिस बहन देवकी को तू ससुराल भेजने जा रहा है उसी देवकी का याठवा लाल तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। भोजराज कंस के कानों में आवाज पड़ी, पागलों जैसा म्यान से तलवार को खींच लिया, वसुदेव के रथ पे पहुंच गया, देवकी के बालों को पकड़ करके तलवार जिस समय मारना चाहा, वसुदेव कहने लगे कंसा रुक जा, अब तेरा अधिकार इस पे नहीं रह गया है, आखिर तू क्यों मारना चाहता है? देवकी को छोड़ करके वसुदेव पर झपट पड़ा। देवकी अपने भैया के पैरों में गिर गई, कहने लगी भैया सुनती हूँ वो पत्नी बड़ी भाग्यशालिनी होती है जो अपने पिया के आगे ये संसार से चली जाए, अपने पिया के कंधन में लदी चली जाए, वो पत्नी बड़ी भाग्यशालिनी होती है, इस कारण से मेरे भैया मैं अभी अभी साधुवा हुई हूँ और इतनी जल्दी मुझे विधवा न बनाओ। मेरे नौजवान साथियों, भोजराज कंस कहने लगा तुम दोनों को मरना है, जिसको पहले मरना है वो जल्दी से बताए। जिस समय फिर देवकी को मारने के लिए उद्यत हुआ, एकदम से वसुदेव जी अपना दाहिना हाथ उठा करके कंस की तलवार की धार पे रख दिया,
मीठी वचनों में कहने लगे, ये कंसराज अभी अभी तू इतना अच्छा व्यवहार कर रहा था, इतनी जल्दी तुझे क्या हो गया जो तू हमारे दोनों के प्राणों को लेने के लिए उद्दत हो रहा है। कंसराज कहने लगा, आकाशवाणी मेरे कानों के पर्दों को फाड़ रही है, क्या तुम्हें नहीं सुनाई पड़ रहा है? वसुदेव जी कहने लगे, मुझे सुनाई पड़ रहा है। कंस कहने लगा, ये देवकी का अथवा लाल मेरा काल है। वसुदेव जी कहने लगे, ये बताओ तुमको हमसे डर है या हमारे बच्चों से डर है? कंसराज कहने लगा, तुमसे कोई डर नहीं है, तुम्हारे बच्चों से डर है। मेरे नौजवान साथियों, महाराज वसुदेव जी हाथ जोड़ के कहने लगे, कंसराज अगर मेरे बच्चों से तुम्हें डर है तो मैं अपना आठवां बालक तुम्हें ला के दे दूंगा। आठवां क्यों, हम तुम्हें आठों बालक ला करके दे दूंगा, लेकिन बच्चों के लिए मेरे प्राणों आप ना लो। कंस कहने लगा, क्योंकि थोड़ी गुस्सा शांत पड़ी थी, भोजराज कंस कहने लगा, हाँ मैं तुम्हें जिंदा तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन आपको जब तक आठों बेटा नहीं पैदा हो जाते हैं देवकी के द्वारा, तब तक तुम्हें मेरे कारागृह में रहना होगा, कारागृह में। वसुदेव जी कहने लगे, स्वीकार है। भोजराज कंस हाथों में हथकड़िया पैरों में बेड़िया डलवा करके वसुदेव देवकी को कारागृह में डाल दिया। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। भगवान की कृपा के द्वारा से, वसुदेव और देवकी के द्वारा से एक पहले बेटे का जन्म हुआ है। आज नार विवार तलक नहीं काटा वसुदेव जी, उस बच्चे को गोदी से उठा लिया। अब वसुदेव देव की उस बालक को लेकर के चलने लगे कंस के दरबार के लिए। कैसे जाते हैं, अरे चल दिए ले लाल को, अरे कंस के ढिंग जाने लगे, बालक को लेकर के। जब कंस ने देखा लाल को, बके प्राण घबराने लगे, जल्दी ले लाल को, दरबार में ले जाकर के पहुंचे हैं। भोजराज कंस ने उस बालक को टकटकी लगा के देखा, कहने लगे, वसुदेव इस बालक को क्यों लाए हो? वसुदेव जी कहने लगे, हम क्षत्रिय हैं, जो वादा करते हैं उस वादे को निभाते हैं, चाहे क्यों ना मेरे प्राण चले जाए। मैंने वादा किया था कि तुमको आठों लाल ला करके देंगे, जिसमें से देवकी के द्वारा से ये पहला बच्चा जन्मा है, इसलिए तुम्हारे पास में लेके आए हैं। भोजराज कंस ने बेटा को देखा तो दया आ गई, कहने लगे, महाराज हमारा दुश्मन तो आठवां बालक है, ये पहला क्यों लाए हो? इसे ले जाओ और पाल लो जाके। इतनी आवाज जब सुनी तो आत्मा को ठंडक पहुंची है। मेरे प्यारे भक्तों,
सोचने लगे मेरे पहले अंकुर की रक्षा हो गई। लेकर के लौटे तब तक देवता विचार करने लगे, भोजराज कंस को ऐसे दया आती रही तो भगवान को आने में बड़ा समय लगेगा। देव ऋषि नारद को भेजा, कहने लगे जाओ भोजराज कंस की बुद्धि को फेरो जाकर के। मेरे नौजवान साथियों, जिस समय देव ऋषि नारद कंस की कचहरी में पहुंचे और कंस ने देखा तो नारद को प्रणाम किया। नारद जी कहने लगे, वो कंसराज, मैं अभी अभी देख रहा था तुम्हारी कचहरी से कोई एक आदमी और औरत गए हैं, वो छोटा सा बच्चा गोदी में लिए हुए हैं, आखिर वो तुम्हारे दरबार में क्यों आए थे? भोजराज कंस कहने लगा, नारद बाबा, वो और कोई नहीं थे, वो हमारे बहन और बहनोई थे। आकाशवाणी हुई थी देवकी का आठवां लाल मेरा काल होगा, इस कारण से वो पहला लाल मेरे पास में लेके आए थे और पहला अंकुर समझ करके हमने छोड़ दिया, कहा जाओ पाल लो जाके। नारद जी हंसने लगे, अरे सच है जब चतुर चूकता है, जब चार ठोकरे खाता है। देव ऋषि नारद जी ये कमल के फूल को उठा लिया और पंखुड़ी गिनाने लगे, कहने लगे बताओ इस कमल के फूल में कौन सी पंखुड़ी पहली है और कौन सी आठवीं है। गिनाना चालू कर दिया, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ये है ना आठवीं? हाँ हाँ बाबा जी। और उल्टा मंत्र घुमा दिया, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, अरे ये तो पहली आठवीं हो गई। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, अब ये आठवीं है आठवीं। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, अरे ये तो फिर पहली आठवीं हो गई। नारद जी कहने लगे, जैसे ये पंखुड़ी में कमल के फूल में हर पंखुड़ी पहली है, हर पंखुड़ी आठवीं है, वैसे ही देवकी का हर गर्भ पहला है और हर गर्भ आठवां है। भोजराज कंस भाग पड़ा, देवकी के पास में गया, बच्चे को गोदी से छीन लिया। देवकी रोने लगी, मेरे बेटे को ना मारो, लेकिन पापी को दया नहीं है, और क्या किया है। अरे गोदी से छीनो लाल रेवा तो पृथ्वी पे पड़ो, और गिरते गिरते पृथ्वी पे वो चार पखेरू उड़ गए। नौजवान साथियों, छीन के गोदी से पृथ्वी पे पटका, मांस के लोथड़ा लोथड़ा हो गए। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं राजा परीक्षित, इसी प्रकार से भोजराज कंस ने छह बालकों को मार दिया। सातवां गर्भ देवकी ने धारण किया,
देवता लोग विचार करने लगे, इस अंश के द्वारा से बलराम का जन्म होना है। शक्ति को भेजा, कहने लगे जाओ ये सातवां गर्भ देवकी का निकाल करके और रोहिणी के गर्भ में डालो और जिससे बलराम का अवतार होना है। शक्ति ने वैसा ही किया, देवकी का सातवां गर्भ निकाल के रोहिणी के गर्भ में डाला, जिनके द्वारा से बलराम जी का जन्म होता है। धीरे धीरे मेरे नौजवान साथियों समय गुजरा। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं राजा परीक्षित, देवकी ने मेरे नौजवान साथियों जिस समय आठवां गर्भ धारण किया, भोजराज कंस बड़ा दुखी है कि सातवां गर्भ मेरी बहन का कहां गया, जो देखने को भी नहीं मिला। आज भोजराज कंस तैयारियां करना चालू कर दिया, और कैसे तैयारी कर रहा है बेटा नारद, सुनो। बारी है कंस के यहाँ तई, यारी है कंस के यहाँ तई, यारी है खेल में बहन बेचारी है। जारी है द्वारे पर पहरे, जारी है लगाए, जाने लगे तो ताले लगाए, जाने लगे साथियों। भोजराज कंस तैयारी करने लगा, आठवें गर्भ की बारी है कंस के यहाँ तैयारी है, जेल में बहन बेचारी है द्वारे पे पहरे, वो अस्त्र सजाए जाने लगे, वो शस्त्र सजाए जाने लगे, दूतियां बुलाई जाने लगी, नाना प्रकार की व्यवस्था कर रहा है। आदेश दे दिया मेरे दुश्मन को, पैदा होते ही होते उसे गर्दन दबा के मार देना। मेरे नौजवान साथियों इधर संसार का मालिक निराकार ब्रह्म साकार रूप धारण करके चलने के लिए तैयार हो रहा है। शक्ति को पास में बुलाया, शक्ति से कहने लगे भगवान की अब तुम्हें मृत्यु लोक में चलना होगा, क्योंकि अब हम मथुरा की जेल में अवतार लेने जा रहे हैं, अब तुम्हें बाबा नंद यशोदा के यहाँ जन्म लेना होगा। रात ही रात हम जेल से निकाल करके और गोकुल में पहुंचाए जाएंगे, गोकुल में हमें छोड़ करके वसुदेव तुमको उठा करके जेल में ले जाएंगे। शक्ति कहने लगी हम न जाइए, तुम तो जन्म लेके गोकुल चले जाओगे, आनंद करोगे, हमको दैत्य के हाथों से मरवा दोगे। भगवान कहने लगे संसार में ऐसा कौन पैदा है जो तेरे हाथ लगा सके। हाँ
भोज राज कंस तुझे हाथों पे जिस समय मार पटकने के लिए उठाएगा, हाथों से उड़ करके आकाश में चंचला बन के चमकेगी और जहां जहां तेरे तेज गिरेंगे वहां वहां तुम नाना प्रकार की देवियों के नाम से जानी जाओगी, तुम नव दुर्गा के नाम से जानी जाओगी और भक्त जन तुम्हारी साल में दो बार नवरात्रे करेंगे, धूप दीप नैवेद्य से तुम्हारी पूजा करेंगे। शक्ति कहने लगी अब चलेंगे। अब धीरे धीरे भादो का महीना आया है, केसर पक्ष है, तिथो अष्टमी है, रात के 12 बजने जा रहे हैं। वो संसार का मालिक 16 कलाओं से परिपूर्ण ब्रह्म हो करके और मथुरा की जेल में अवतार लेने के लिए जा रहा है, उद्दत हो गया। इधर जिस समय देवकी को झपका जैसा लगा, भगवान विराट स्वरूप धारण करके दीवाल पर आ गए। देवकी ने जिस समय देखा, अपने पिया वसुदेव को जगाया, कहने लगे नाथ ये बताओ स्वर्ग यहाँ आ गया है कि हम दोनों स्वर्ग में हैं। जिस जेल में 15-15 दिन तक झाड़ू नहीं लगता है, ये मनहाली मूर्ति कहाँ से आ गई? मेरे नौजवान साथियों दोनों हाथ जोड़ के कहने लगे भगवान मेरे हाथों की हथकड़िया पैरों की बेड़िया अगर टूट जाती तो हम तुम्हारी पूजा कर लेते। भगवान कहने लगे भक्तों तुम बहुत बड़े त्यागी हो, हम तुमसे पूजा करवाने के लिए नहीं आ रहे हैं, हम स्वयं तुम्हारी पूजा करने के लिए आ रहे हैं। हमारा ये कि आदेश होगा तुम दोनों के लिए, जब हम बाल स्वरूप धारण करके तुम्हारी गोदी में आ जाएं, उस समय तुम हमको इस मथुरा की जेल से गोकुल में बाबा नंद के यहाँ छोड़ आना, वहाँ एक बिटरिया पैदा हुई है अब्बा को उठा के लौट आना। वसुदेव देव की रोने लगे भगवान ठहरो ठहरो भगवान ठहरो, और क्या कहने लगे रो करके वसुदेव देव की भगवान, अरे मेरे हाथों में पड़ी हाथ कड़िया है, जरा ठहरो प्रभु जी माजी बूढ़िया है, जरा ठहरो प्रभु जी मजबूरिया है। यही तो दूरिया है, चलू लेके तुम्हें कैसे यही तो दूरिया है, मेरे हाथों में पड़ी हाथ कड़िया है, जरा ठहरो प्रभु जी मजबूरिया है। लंबी लंबी ओ लंबी लंबी ओ काली काली रातों में तू आया जन्म ले आधी रातों में, चलू लेके तुम्हें कैसे यही तो दूरियां है, मेरे हाथों में पड़ी हथकड़ियां है, जरा ठहर